अब जैसे मेरा कैमरा चालू था तो मुझसे पैसे नहीं मांगे होंगे। यहाँ पर वैरायटी ऑफ बॉटल मिलेंगे गाइस। मुंबई की रश देखो भाई लोग, रश। यहाँ पे चश्मे देख सकते हो। कितने का है भैया ये? टॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ है। ये पानी में डालोगे तो ऐसा बॉटल। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? बहुत गर्दी है। चड्डी सिलाई मशीन है। कितने की भैया ये? तो गाइस ये देखो हार्ली डेविडसन है, ये देखो बुलेट। ऐसे हाल होते हैं मुंबई में गाड़ियों की। गाइस डबल डेकर मुंबई की इलेक्ट्रिक है ये पूरी, नो पेट्रोल नो डीजल, इलेक्ट्रिक ग्रीन प्लेट नंबर प्लेट। मुंबई का सबसे फेमस स्पॉट है गाइस, आप अगर आए नहीं हो तो आपको बता दूँ। ये सब ब्रिटिश ने बनाए हुए बिल्डिंग्स है, वरना अभी तक तो ये दूसरी बार बन जाते। कितना सुंदर लग रहा है भाई, कैमरे में देखने मजा आ रही मुझे, मेरा कैमरा जो है ना फ़ोन का, उसमें तो ऐसा कुछ माहौल है। यहाँ पे अभी दो फिर के बज रहे हैं दो, और यहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि गाड़ियाँ रुकती नहीं है। फॉरेन में कैसा होता है, फॉरेन में गाड़ी रुक जाती है अगर कोई इंसान पैदल दिखता है तो, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिग्नल छूटा कि सब गाड़ी निकल जाते। यहाँ पे सब फोटो निकाल रहे हैं और प्रूफ कर रहे हैं कि हम मुंबई में है करके, और मुंबई में है फिर उनके स्टेटस पे इंस्टाग्राम पे डालेंगे। ये देखो डैश। तो काम करने के बाद थोड़ा लंच टाइम बनता है, तो लंच वगैरह करके और अपने काम पर लग जाना है अपने को। और मुंबई में आने के बाद ना गाइस ह्यूमिड मतलब जो गर्मी है भाई ख़तरनाक रहती है, मेरे से तो एक दिन भी नहीं रह जाता, बट क्या करते काम रहता है इसलिए रुकना पड़ता, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं रुका रहता यहाँ। चलो बट ठीक है, एक समय था ऐसा लगता था मुंबई भी जाने मिलेगा कि नहीं बचपन में, बट अभी तो हर महीने दो महीने में मुंबई आना ही पड़ता। ये मुंबई के स्ट्रीट्स है और वहाँ पे पैसे के लिए रोक रहे हैं, और सब पैसे के लिए ज़बरदस्ती रोकने के लिए हैं। चलिए अब जैसे मेरा कैमरा चालू था तो मुझसे पैसे नहीं मांगे होंगे बट अगर आप ऐसे नॉर्मल चलोगे तो आपको मुझे मेरे पीछे दिख रहा होगा, पैसे मांगते हैं तब क्या बताया इनका भी क्या प्रॉब्लम है, तो पैसे लगते हैं तो देना तो पड़ेगा ही है ना, क्या बोलते हैं इस पर कमेंट ज़रूर करना कि जो पैसे मांगते हैं इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये देखो गाइस मर्सिडीज़ तो इंडिया में मर्सिडीज़ BMW ये सब बहुत कॉमन हो गया भाई, बहुत कॉमन। और वैसे यहाँ की धूप जो है, यहाँ की धूप है ना आपको चमकती नहीं है जैसे नागपुर की चमकती है, यहाँ पे थोड़ी फैन टाइप धूप है बट लगती है, और ये धूप से काले भी होने का डर है जो कि हम ऑलरेडी काले हैं। ये देखो और एक मर्सिडीज़, ये देखो गाइस और एक मर्सिडीज़। तो यहाँ पे गाड़ियों का जो है खेल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मर्सिडीज़ BMW ऑडी ये तो सब नकली गाड़ियाँ है। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? बहुत गर्दी है, जूते चप्पल मुंबई में खास बात ऐसी है भाई, तुम रास्ते पे कुछ भी लेके बैठ जाओ, कुछ भी लेके बैठ जाओ ना, तुम कुछ भी कचरा भी लेके बैठ जाओ लोग वो भी खरीदने आ जाएंगे। तो बिजनेस के मामले में भाई अगर आपके पास कोई है ही नहीं देखने वाला या आपको आपके लिए कुछ करने वाला, मुंबई आ जाओ कुछ ना कुछ बिजनेस चालू कर दो भाई। और अगर आपके जगह पे आप बिज़नेस करना चाहते हो तो शूज़ वगैरह का बहुत अच्छा बिजनेस है, वो कर सकते हो। ये बहुत लोग क्रेज़ी रहते हैं 300-400 का शू रखने का, लोग आके लेकर जाते हैं आपको 1000-2000 रुपए का, तो धंधा हो गई रोज का आराम से। ये पानी में डालोगे तो ऐसा बड़ा होगा। सो फाइनली अपना काम हो गया है, 5:30 बज गए, सब गवर्नमेंट के ऑफिस बंद हो गए और अपना भी काम ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा घूम लेते कुछ खा लेते और फिर निकल जाएंगे अपने शहर नागपुर की तरफ। अगर आपने ये देखा नहीं तो ये सिलाई मशीन है। कितने की भैया ये? 200 रुपये। 200 रुपये की और बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की। तो ये सिलाई लिया था मैंने इस पर, तो इमरजेंसी वाला काम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ है, बट मेरा लेने का प्लान कुछ भी नहीं है, शायद अभी मैं कुछ लूँगा नहीं, जा रहा हूँ इस तरफ से होटल में खाना खाने के लिए, तो आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखो जूते, शर्ट्स, चड्डी, यहाँ पे पैसे है। कितने का है भैया ये? 250 तो 250 को आपको पॉड्स मिलेंगे। और यहाँ पे चश्मे देख सकते हो, काफ़ी कुछ है भाई शॉपिंग के लिए और काफ़ी सस्ता मिलता, बार्गेनिंग करना पड़ता। तो बोलेंगे आपको 400 का, 200, 400 जो भी बोलेंगे इसमें बार्गेनिंग कर ले लेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता ही है। तो देखो पे खिलौने हैं और रश काफ़ी है। चप्पल, बुक्स, 100 रुपये में बुक्स मिलेंगे ये। और भाई ऐसी जगह घूमते हुए ना बैग आगे रखना भाई, कस्टम से बैग आगे रखना वरना बहुत पछताओगे। मुंबई की रश देखो भाई लोग, रश यहाँ पर वैरायटीज ऑफ बॉटल मिलेंगे गाइस, काफ़ी सुंदर सुंदर। पहले मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था भाई यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करना, अभी इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब खरीदने की इच्छा नहीं होती। बट ठीक है, क्वालिटी अच्छी मिल जाएंगी आपको काफ़ी सस्ते में। और यहाँ पे ऐसे आप बाल भी काट सकते हो अगर बाल पड़ गए तो।